हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट किंग लर्नर में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब इट एंड आफ्टर दैट प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स सो आज हम करेंगे एन साइंस क्लास एट चैप्टर नंबर थर्टीन साउंड साउंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हम रीड करेंगे रीड एंड एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स टूडे सो फर्स्ट क्वेश्चन चूज द आंसर। फर्स्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ए ग्लास ओनली बी सोलिड्स ओनली सी लिक्विड्स ओनली, डी सोलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस आंसर साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सोलिड्स लिक्विड एंड गैसेस तीनों ही मीडियम से साउंड ट्रेवल कर सकती है क्वेश्चन नंबर टू Which of the following voices is likely to have minimum frequency? In meshe kis ki frequency bahut kam hai awaz ki? Answer number two, a man. Frequency of sound is directly proportional to its pitch and inversely proportional to its amplitude. The voice of an adult man is of lower pitch and high amplitude in comparison to the वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन दैट इज वाई ए मैन हैव लाउडर वॉइस देन वुमेन एंड चिल्ड्रन सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ए साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं तो साउंड वैक्यूम से नहीं जाती मीन्स वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं होती ट्रू कभी भी नहीं होगी नेक्स्ट बी द नंबर ऑफ ऑशलेशन पर सेकेंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड फॉल्स कभी नहीं होता यह टाइम पीरियड सी इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फ्यूएबल दिस आल्सो फॉल्स डी फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडियेबल रेंज इज ट्वेंटी हार्ट टू ट्वेंटी थाउजेंड हार्ट यस इट इज ट्रू ई द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर इज दिच फॉल्स अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले नेक्स्ट एफ अनवॉन्टेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक रॉन्ग अनवॉन्टेड अनप्लीजेंट किस प्रकार से म्यूजिक हो सकते नहीं हो सकती फॉल्स है जी नॉइस पोल्यूशन में काज पार्शियल हेयरिंग इंपॉर्टमेंट मीन्स नॉइस पोल्यूशन थोड़ा बहुत हमारी जो सुनने की शक्ति है उसको कम कर सकता है यस ट्रू इट इज ट्रू नाउ क्वेश्चन नंबर फोर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स रिक्त स्थान भरे सही उत्तर के साथ ए टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड देखो आपको ट्रू ट्रूफॉल्स में अभी रोंग आया था लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन दे रखी है जब भी एक ऑक्सीशन oscillation, एक ओसीलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट वन इज द टाइम पीरियड बी लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जब भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा मींस मीन पोजीशन से ट्रफ और क्रस्ट की मैक्सिमम uh, पोजीशन जिसे बोलते हैं सी द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हार्ट सभी को पता है डी अनवॉन्टेड साउंड इज कार्ड अनवाटेड साउंड नॉइस होती है हमेशा हम लोग नॉइस को अनवांटेड साउंड के रूप में काउंट करते हैं ई स्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिट बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी स्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटर्माइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन आपको पता ही होगा फ्रीक्वेंसी ज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव ए पेंडुलम ऑसिलेट्स फोर्टी टाइम्स इन फोर सेकेंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स फोर्टी टाइम्स चालीस बार एक ऑसिलेशन करता है पेंडुलम इन फोर सेकेंड चार सेकेंड के अंदर तो पहला है टाइम पीरियड टाइम पीरियड को काउंट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ओसिलेशन फोर बाई फोरटीन मीन्स जीरो पॉइंट वन सेकेंड दिस इज द टाइम पीरियड मीन्स एक ऑसिलेशन को होने में जीरो पॉइंट वन सेकेंड लगती है नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन यानी कि हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू वन बाई फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाय टाइम पीरियड सो so, इसमें क्या रहेगा फोर्टी अपॉन में फोर तो यहां पर हम फोर्टी को फोर से डिवाइड करते हैं और टेन हार्ट्स हमारे पास आंसर आता है मीन्स टेन हार्ट्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी यहां पर एक पेंडुलम को जो फोर्टी टाइम्स इन फोर सेकेंड ओसी करता है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड वेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स ऐट एन एवरेज रेट ऑफ फिफ फाइव हंड्रेड वाइब्रेशन्स पर सेकेंड वाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन्स इसके लिए निकालेंगे मीन्स ये कहते हैं कि एक मॉस्किटो को अपनी जो वाइब्रेशन्स है विंग्स की फिफ फाइव हंड्रेड वाइब्रेशन्स से पर सेकेंड करनी पड़ती है तब हम उनकी मॉस्किटो की जो प्रोड्यूस्ड साउंड है उसको सुन सकते हैं तो इसके लिए टाइम पीरियड रहेगा टाइम टेकन है नंबर ऑफ ऑसले वन बाई फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेकेंड्स के अंदर एक बार वो अपने पंख को फड़फड़ाएगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द पार्ट विच वाइब्रेट्स द प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग ए ढोलक बी सितार सी फ्लू तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं आंसर नंबर सेवन ढोलक ढोलक हैज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड आपको अच्छे से पता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन खेच के लगाई हुई मेम्ब्रेन होती है जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है बी सितार इन सितार द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स व्हेन वाइब्रेट्स दे प्रोड्यूस साउंड्स आप देख सकते हैं इसमें ऐस इस प्रकार से तार लगाए होते हैं और इन पे साउंड आती है नेक्स्ट है फ्ल्यूट फ्ल्यूट इज ए विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज एयर कॉलम्स टू प्रोड्यूस साउंड ये आपको दिखाई दे रहे होंगे एयर कॉलम्स जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है अलग अलग प्रकार की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम क्या म्यूजिक भी नॉइस बन सकता है आंसर नंबर एट म्यूजिक इज ए साउंड विच प्रोड्यूस ए प्लीजेंट या प्लीजिंग सेंसिंग वाइल्ड नॉइस इज एन अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड म्यूजिक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा नॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स बाय मशीन्स एटसेट्रा म्यूज़िक कैन बिकम नोएस वैन वी प्ले इट एट वेरी हाई वॉल्यूम और टू मैनी म्यूज़िक आर बींग प्लेड एट द सेम टाइम विद अनप्लीजेंट लाउडनेस तो आप आ, डायग्राम पिक्चर्स में भी देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारे स्पीकरस लगा के या लाउड वॉइस करके हम अपने आप को आहत कर सकते हैं मीन्स इसकी जो साउंड है वो नोइस में तब्दील हो जाती है और जिसे हम आ, किसी भी प्रकार का नुकसान हमारे शरीर में भी हो सकता है एक्चुअल में म्यूज़िक क्या है एक प्लीजेंट और रिपीटिटिव साउंड है जो हमें भाती है मन को अच्छी लगती है नॉइस क्या है अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड है जो हमारे मन को नहीं भाती और आ, हमारे दिमाग को ख़राब कर देती है मीन्स हम काफ़ी सारी बीमारियां हमें आगे जकड़ लेती हैं नॉइस के कारण क्वेश्चन नंबर नाइन लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो आप पिक्चर uh, में भी देख सकते हैं uh, मैं आंसर में पढ़ देता हूँ मेजर काजज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स एक्सप्लोशंस इंसक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स मशीन्स लाउड स्पीकर एटसेट्रा सोर्स इन द होम में लीड टू नॉइज पोल्यूशन टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम सम किचन अप्लाइंसिस डेजर्ट कूलर एयर कंडीशनर्स आल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पोल्यूशन मीन्स बहुत से प्रकार के टेलीविजन ट्रांजिस्टर रेडियो और किचन अप्लाइंसिस हैं बर्तन वगैरह तो इनसे क्या है बहुत से प्रकार की साउंड्स निकलते हैं जिनके कारण क्या है नॉइस पोल्यूशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन्स किस प्रकार से हमारे लिए नॉइस पोल्यूशन हार्मफुल है तो आप देख भी सकते हैं इस चार्ट में दिया भी गया है कि किस प्रकार से नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए आ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो आंसर नंबर टेन लैक ऑफ स्लीप नींद की कमी हो जाती है हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है एंड एक्साइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में भी काजड बाई नॉइस पोल्यूशन बेचैनी सी बनी रहती है और भी बहुत से हेल्थ डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं हमारे नॉइस पोल्यूशन के कारण ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पार्टमेंट ऑफ हेयरिंग मीन्स वो अपने सुनने की शक्ति या तो उस समय के लिए खो देता है या फिर हमेशा के लिए भी परमानेंटली भी वो खो सकता है तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं आप देख सकते हैं कुछ यहाँ भी आपके सामने एनएक्साइटी है इवेल्युएशन ऑफ कर्शियल प्रोडक्शन है हाइपरटेंशन बहुत सारी बहुत सारी डिजीज़ आपके सामने दिखाई गई हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तरह की डिजीज़ इनके कारण हमें हो सकती है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस आपके माता पिता एक घर खरीदना चाहते हैं दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर थ्री लेंस अवे फ्रॉम द रोड साइड मीन्स एक बिल्कुल रोड के ऊपर रोड साइड के पास और दूसरा तीन तीन चार घर छोड़ के तीन चार घरों की साइड छोड़ के उसके बाद विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय एक्सप्लेन योर आंसर तो आप कौन सा हाउस ख़रीदने के लिए आपके अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगे तो मेरी जो इच्छा है हम वो हाउस लें जो रोड से थोड़ा सा दूर हो ज़्यादा नज़दीक ना हो क्योंकि रोड पर व्हीकल्स और बहुत बहुत से प्रकार का नोइस रहता है तो उससे बचने के लिए नॉइस पोल्यूशन से बचने के लिए थोड़ा सा पीछे ताकि पीस रहे आसानी से आराम से नींद आए और हम फ्रेश हो जाएं सुबह उठें तो ऐसा ना लगे कि हमने बहुत सारा काम किया है वजन लेके हम सोएं और फिर उसके बाद आ, अच्छे से नींद भी ना आए तो आंसर नंबर इलेवन क्लोज़र टू रोड साइड लार्जर द नॉइस पोल्यूशन सो आई वुड सजेस्ट ए हाउस विच इज़ थ्री लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड बिकॉज द पोल्यूशन लेवल बोथ एयर एंड नॉइस पोल्यूशन इज समवट लेस देयर कुछ ना कुछ कम रहेगा एज कंपेयर टू रोड साइड के नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्केच लायनेक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स लायनेक्स का स्केच बनाएं और इसके फंक्शंस के बारे में बताएं दिस इज द लायनेक्स स्केच एंड दिस वन इज द वोकल कोड विच प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन एयर ब्लोज बिटवीन दैम so in humans the sound is produced the sound is produced by the voice box or the larynx the two vocal cords are stretched across the voice box and larynx in such a way that is leaves a narrow silt between them for the passage of air when the lungs force air through the silt द वोकल कोड वाइब्रेट्स प्रोड्यूसिंग साउंड मसल्स अटैच टू द वोकल कोड कैन मेक द कोड टाइट और लूज वैन द वोकल कोड आर टाइट एंड थिंग द टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वैन दे आर लूज और थिंक मीन्स वोकल कोड के मतलब दो वोकल कोड हैं उनके बीच में से हवा आती है हमारे लंग्स से होती हुई बीच में से हवा निकलती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है और वोकल कोड का जो साइज इसकी मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है जब ये टाइट और थिन रहेगी तो हमारी आवाज अलग तरह की आएगी और जब ये लूज और थिक रहेगी तो हमारी आवाज अलग तरह की निकलती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन लास्ट क्वेश्चन इट इज लाइटनिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम and at the same distance from us lightning is seen earlier and thunder is heard later can you explain yes i can explain because speed of sound is 330 meter per second only and the speed of light is 3 uh, 3 lakh kilometer per second i know very well but यहां पर आपको मीटर में दिया हुआ है तो थर्टी करोड़ मीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड दैट इज वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड द थंडर थन, इज हेयर लेटर मींस आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग की जो स्पीड है लाइट की जो स्पीड है वो है थ्री थर्टी करोड़ मीटर पर सेकंड की और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है तीन सौ तीस मीटर पर सेकंड अब आप खुद देख सकते हैं कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो हमारे तक जल्दी पहुंचेगा तो लाइट यहां पर हमारे तक जल्दी पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू साउंड सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो नॉइस पोल्यूशन से बचे रहें जितना ज़्यादा उसके पेड़ पौधे लगाएं और अपने आप को नॉइस पोल्यूशन से बचाएं घर में भी जितना ज़्यादा उसके नॉइस पोल्यूशन को अवॉइड करें ओके